हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल करैक्टर्स के बारे में। जनरल करैक्टर्स से पहले हम देख लेते हैं जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसका इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये जो प्रोटोजोआ है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है जो कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, प्रोटोज प्लस जून। प्रोटोज का मीनिंग होता है फर्स्ट और एनिमल, या फिर प्राइमरी होता है, फर्स्ट और प्राइमरी होता है। जून का मीनिंग होता है एनिमल, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइमरी और अर्ली एनिमल्स थे। इनको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी इनको बोला जाता है। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं फर्स्ट और प्राइमरी एनिमल होते हैं, या फिर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटोजोआ की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो ये ए वी ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंड अगर हम टर्म की बात करें, जो प्रोटोजोआ टर्म है ये गोल्ड फर्स ने ये दी थी। अब प्रोटोजोआ की अगर हम देखें, प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बिल्कुल माइक्रोस्कोप से हम इनको देख सकते हैं, ए सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल क्यूल्स होते हैं। प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल क्यूल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ए सेलुलर यानी कि ये सिर्फ इनके अंदर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, विदाउट सेल ये होते हैं, या तो इनको नॉन सेलुलर भी बोला जाता है। यूकैरियोटिक यानी कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड इसके अलावा क्या होते हैं, ये एनिमल क्यूल्स होते हैं, बिल्कुल एनिमल लाइक स्मॉल ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। तो प्रोटोजोन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल क्यूल्स होते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बने हुए होते हैं। तो क्या होता है ये प्रोटोप्लाज्म? सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे अगर हम किसी सेल की बात करें तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अलावा इसके अंदर सेल वॉल हो गई, अंदर न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें, जब साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ के जो मटेरियल पाया जाता है अंदर, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस बिना न्यूक्लियस के, एंड प्रोटोप्लाज्म यानी कि विद न्यूक्लियस, ये होता है यहाँ पे डिफरेंस। वैसे तो हम इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म को एक दूसरे की जगह जो ये टर्म्स है हम यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में साइटोप्लाज्म क्या होता है? विदाउट न्यूक्लियस जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। एंड प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, प्रोटोजोन्स के अंदर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। पैराजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स को पैराजूलॉजी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसके आते हैं जनरल करैक्टर्स। हम यहाँ पे बिल्कुल जनरल करैक्टर्स की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो हम मलेरियल पैरासाइट और या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम जनरल करैक्टर्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट है हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये यूबिकिटस और कॉस्मोपोलाइटन इन नेचर होता है। यूबिकिटस का मीनिंग है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही टाइम के अंदर सब जगह ये पाया जाता है। कॉस्मोपोलाइटन का मीनिंग होता है कि अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये पाया जाता है। तो यूबिकिटस एंड कॉस्मोपोलाइटन इन नेचर होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक ये होते हैं। एक्वेटिक के अंदर ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं, तो ये मरीन वाटर हो सकते हैं। फ्रेश वाटर जैसे कि अमीबा हो गया, इसके अलावा पैरामीसियम हो गया, ठीक है, फ्रेश वाटर एग्जांपल जैसे कि अमीबा हो गया एंड पैरामीसियम हो गया। मरीन वाटर जैसे कि एल्फीडियम हो गया। इसके बाद ये पैरासाइट्स होते हैं। इसके अलावा, ठीक है, मोस्टली तो देखो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये कई बार क्या होते हैं, ये सोइल के अंदर भी पाए जाते हैं, डैम्प और ड्राई सोइल के अंदर भी देखने को मिलते हैं।
मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल हो सकते हैं। एक्सटर्नल का मीनिंग होता है ऑन बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के ऊपर ही पाई जाएंगे, और अगर हम इंटरनल की बात करें तो बॉडी के अंदर ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं। तो ये पैरासाइट्स अंदर भी पाए जा सकते हैं, बाहर भी पाए जा सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। प्रोटोजोन्स मोस्टली सोलिटरी होते हैं, यानी कि अकेले पाए जाते हैं, फ्री एंड इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनी कैसे फॉर्म करते हैं ये? इनके जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होता हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन मिलके क्या फॉर्म कर लेते हैं? कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड इसका करेक्टर है बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, साइज बहुत माइन्यूट इनका पाया जाता है, वेरी माइन्यूट, अबाउट 1 माइक्रोन इनका साइज होता है। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इसके अंदर देखने को मिलती है, वैरायटी ऑफ शेप्स इसके अंदर देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप की शेप्स इसके अंदर देखने को मिलती है। स्लीपर शेप हो गई, इरेगुलर हो गई, स्फेरिकल हो गई, ओवल हो गई, स्पिंडल शेप हो गई, बेल लाइक हो गई, स्लीपर लाइक हो गई, अलग अलग शेप्स इसके अंदर पाई जाती है। तो ये इसकी बॉडी फॉर्म है। नेक्स्ट है इसके अंदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, एंड डिवीजन ऑफ लेबर इसके अंदर एट लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स तक पाया जाता है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से इसको ए सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, यानी कि बॉडी इसकी सेल्स के अंदर डिवाइड नहीं होती है, तो इसलिए इनको ए सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। नेक्स्ट आती है सिमिट्री। सिमिट्री भी इसके अंदर वैरायटी ऑफ सिमिट्री पाई जाती है, जैसे कि स्फेरिकल हो गई, रेडियल हो गई, बाइलेटरल हो गई, इरेगुलर हो गई, जैसे कि अमीबा के अंदर इरेगुलर सिमिट्री पाई जाती है। तो अलग अलग टाइप की सिमिट्री इनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है, और ये मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म अब आगे जाके डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्रेंशिएट ये होगा। इसके अलावा इसके अंदर हमने बात की थी कि ये यूकैरियोटिक होता है, तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी पाया जाता है, तो 1 or more सिमिलर और डिसिमिलर न्यूक्लियाई इसके अंदर पाई जाती है। एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर हो गया, फूड वैक्यूल इसके अंदर हो गई। इसके अलावा इसके एक डेलिकेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इसके अंदर पेलिकल और कैलकेरियस और सिलिशियस सेल्स भी पाई जाती है। कुछ सबके अंदर नहीं पाई जाती, कुछ केसेस के अंदर देखने को मिलती है। पेलिकल जो इसकी लेयर होगी वो शेप को मेंटेन करने का काम करेगी, कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होगी, और सिलिशियस शेल जो है ये सिलिका की बनी हुई होती है। तो वैसे तो इनके अंदर जो इंटरनल स्केल्टन है वो एब्सेंट होता है, कोई स्केल्टन इनके अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर कई बार क्या होता है, कुछ इंटरनल सपोर्टिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जनरली कोई स्केल्टन नहीं होता है, लेकिन कई बार इंटरनल सपोर्टिंग स्केल्टन इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सोस्टाइल्स, एक्सियल फिलामेंट एंड इंटरनल शेल इसके अंदर पाई जाती है। एक्सोस्टाइल जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें इसमें जियार्डिया के अंदर, ये जो है इसके अंदर ये एक्सोस्टाइल यहाँ पे पाया जा रहा है। एक्सोस्टाइल क्या होता है? एक शीट होती है माइक्रोटिब्यूल की, शीट ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स। एक्सियल फिलामेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, बंडल्स ऑफ फ्लैजेला, एक्सियल फिलामेंट होते हैं, बंडल्स ऑफ फ्लैजेला। एंड इंटरनल शेल इसके अंदर पाई जाती है। कई बार अगर हम बात करें एक एक्सेप्शन की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, सेल्ड प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं? एल्फीडियम एक सेल प्रोटोजोन होता है, ठीक है, इसके अंदर एक शेल पाई जाती है, ये एक एक्सेप्शन है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है कि कौन सा एक सेल्ड प्रोटोजोन होते हैं। जनरली इनके अंदर कोई स्केल्टन नहीं होता है, एक्सेप्शन यहाँ पे एल्फीडियम हो गया। इसके अलावा इनके अंदर इंटरनल सपोर्टिंग एलिमेंट्स एज एक्सोस्टाइल्स, एक्सियल फिलामेंट एंड इंटरनल शेल भी पाई जाती है। एंड शेल प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल एल्फीडियम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो होलोजोइक, होलोफिटिक एंड सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर देखने को मिलता है। होलोजोइक का मीनिंग होता है एनिमल लाइक, एनिमल लाइक का मीनिंग है जैसे हम खाते हैं, जैसे हम बाहर से क्या करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, एंड फिर हमारे बॉडी के अंदर जाके वो डाइजेस्ट होता है।
तो होलोजोइक यानी एनिमल लाइक के अंदर यही होता है कि बाहर से सॉलिड एंड लिक्विड इनटेक किया जाता है बॉडी के अंदर एंड फिर उसको इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट किया जाता है। होलोफिटिक यानी कि प्लांट लाइक, जैसे प्लांट करते हैं वैसे होता है इसके अंदर। सैप्रोफिटिक यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर पाया जाएगा। पैरासिटिक भी ये हो सकते हैं, होस्ट के ऊपर ये हैबिटेट करते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन ये लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के अंदर इसका डाइजेशन होता है एंड फूड वैक्यूल्स के अंदर इसका डाइजेशन होता है। जैसे कि अगर हम मोस्ट कॉमनली बात करें, हम बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे फूड है तो अमीबा के जो सूडोपोडिया ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ये ऐसे बढ़े, यहाँ पे फूड है ठीक है, ये ऐसे बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे और ये एक फूड वैक्यूल के अंदर ही ले लिया जाएगा जो भी इसका फूड था और फिर इसको इंट्रा सेलुलर इस फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट किया जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसके अंदर अलग अलग मेथड से होता है, जैसे कि सूडोपोडिया होते हैं, यहाँ पे अमीबा के अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर विप लाइक फ्लैजेला पाए जाते हैं, कुछ के अंदर हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं, कुछ के अंदर तो एब्सेंट होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के लोकोमोशन के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और ये अगर हम बात करें लोकोमोशन की अलग अलग चीज, अलग अलग ऑर्गन ऑर्गन्स की, तो इनके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन भी दी गई है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसके अंदर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई ज़्यादा ऑर्गन्स इसके अंदर होते ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड डिवीजन ऑफ लेबर इसका सेल और ऑर्गेनल के बेसिस के ऊपर होता है। तो जो सेल ऑर्गेनल इसके अंदर होते हैं उन्हीं से ये काम चलाता है। और इसका जो जनरल बॉडी सरफेस है, इसका जो ये जनरल बॉडी सरफेस है, इसी के थ्रू ये क्या कर लेता है, रेस्पिरेशन कर लेता है, एक्सक्रीशन कर लेता है। तो इसके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। एक्सक्रीशन भी इसकी जनरल बॉडी सरफेस के ही थ्रू होती है एंड ये अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक का मीनिंग है इनके अंदर मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया होता है, तो ये अमोनोटैलिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका करेक्टर आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स की हम बात करें, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स पाए जाते हैं फ्रेश वाटर फॉर्म्स के अंदर, जो कि वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करके रखते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ओस्मो यानी ओस्मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, रेगुलेशन, उसको कंट्रोल करके रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको बैलेंस करके रखते हैं। तो वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स मेंटेन करके रखती है। लेकिन जो मेराइन फॉर्म्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमनली एसेक्सुअल होती है, लेकिन कई बार सेक्सुअल भी पाई जाती है। एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग के थ्रू होती है, ठीक है। बाइनरी, मल्टीपल एंड बडिंग के थ्रू होगी। बाइनरी यानी दो के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल एक प्रोटो जो है वो बहुत ज्यादा के अंदर डिवाइड होगा एंड या फिर इसके अंदर बडिंग के थ्रू हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है इसके अंदर कंजुगेशन, सिनगैमी या फिर इसको ऑटोगैमी और एंडोमिक्सिस बोला जाता है। तो इस मेथड के थ्रू यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग इसके करेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनसिस्टमेंट यानी सिस्ट फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये अपने बाहर एक थिक वॉल बना लेते हैं, इस थिक वॉल को बोला जाता है सिस्ट वॉल। जैसे कि कोई भी इंटरनल पैरासाइट है या फिर एक्सटर्नल पैरासाइट है, उसको किसी दूसरे और दूसरे होस्ट को भी इन्फेक्ट करना है, ठीक है, दूसरे होस्ट को भी के ऊपर भी जाना है, तो ये क्या करेगा, अपने बाहरी सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोटोजोआ है ये सेफ रहे, ये किल ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, इसका प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय ना हो। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी ये क्या कर लेता है, अपने अंदर अपने बाहर सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो सिस्ट वॉल है इसकी डिस्पर्शल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर हेल्प करती है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, फूड की हो गई,
इसके अलावा मॉइस्चर की हो गई, टेम्परेचर की हो गई, तो ये अलग अलग कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशन है, ये आने के ऊपर ये क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन जब इसको ये सुटेबल नहीं होगी यानी कंडीशंस, तब ये सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है। एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, फिर इसको सुटेबल होस्ट मिलता है, ये सिस्ट वॉल जो है ये यहाँ से जो है ये यहाँ से इसकी फॉल ऑफ हो जाती है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो अंदर का ऑर्गेनिज्म है फिर से वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। तो ये सिस्ट वॉल हेल्प करती है इसको डिस्पर्सल में एंड अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। इसको ही एनसिस्टमेंट बोला जाता है, यानी कि सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जनरल करेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमने हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।